नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव होता है पहल करना, ठीक है, जो है सबसे पहले जो है अपनी बात रखना। तो इनिशिएटिव यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। प्योर ने सजेस्ट करा है कि इम्प्लॉयज को, अंडरलाइन कर लेना इसको, कि इम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जब भी एग्जीक्यूट करना है प्लान या कुछ भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले इम्प्लॉयज की बात जो है वो सुनी जाएगी, उनसे सजेशन मंगवाए जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉय बिफोर फ्रेमिंग प्लान। तो जब आपने आइडियाज प्लान बनाने हैं तो उनसे आइडिया सजेशन मंगवाने हैं, उनकी बात सुननी है। तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने आप लोगों को राइट दे दिया कि आप अपनी बात रखो, तो जब मैंने प्लान बना लिया उसके बाद आप उठ के बोल रहे कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसमें ये प्रॉब्लम है। आगे एक बात कंप्लीट करी है उन्होंने कि इनिशिएटिव का ये मतलब नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप उन रूल्स को जो है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करोगे। वंस डिसीजन आर टेकन बाय मैनेजमेंट देन एवरी इम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू इम्प्लॉय सजेशन और नॉट। चाहे आपके सजेशन के अकॉर्डिंगली है चाहे नहीं है, आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे अगर मैनेजमेंट ने बना दिए हैं। बट यस, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप सजेशंस भी दे सकते हो। एग्जाम्पल लिखी है कि जब आप लोगों ने कोई प्लान बनाया, ठीक है, तो बिफोर सेटिंग अप अ प्लान द मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन। वो मंगवाएगा सजेशन इम्प्लॉयज से ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके। बट अगर प्लान कहते बन चुका है देन इम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट एंड इम्प्लीमेंट इट। बीच में वो जाके जो है मना नहीं कर सकते। पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेगा, उनको भी लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हमसे पूछा जाता है, ठीक है, तो सेल्फ बिलोंगिंगनेस होएगी। आगे लिखा है कि जब आप लोगों ने कोई टारगेट बनाया है, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करा है इम्प्लॉयज से पूछ के, तो इम्प्लॉयज बाद में मना नहीं कर सकते। इम्प्लॉयज अचीव देयर टारगेट ऑन टाइम इफ दे आर सेट अप विद देयर कंसल्टेशन। मैंने उनसे कंसल्ट करके वो काम करा था, तो इम्प्लॉयज जो है वो अपना मैक्सिमम देंगे। कॉन्सिक्वेंसेस इन केस मैं फॉलो नहीं करती, इन केस मैं जो ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स बना रही हूँ अपनी मर्जी से बना रही हूँ, प्लान अपनी मर्जी से बना रही हूँ, मैंने इम्प्लॉय से कुछ नहीं पूछा, तो इसका जो है वॉयलेशन का क्या रिजल्ट निकलेगा। इम्प्लॉयज विल नॉट वर्क टू देयर बेस्ट कैपेसिटी और एबिलिटी, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो पता ही नहीं था, या उन्होंने ज़्यादा काम कराया, हमें ऐसा नहीं करना था, मतलब वो किसी ना किसी तरह से मना कर सकते हैं। डीमोटिवेटेड रहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन से उनको कोई पूछता ही नहीं है। और ये है हमारा लास्ट स्पिरिट डी क्रॉप्स। इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना फॉर 2 मार्क्स के लिए भी। अब इसका मतलब ये है कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, टीम स्पिरिट, यूनिटी होनी चाहिए। ये लाइन पढ़िए, यहाँ से आप अंडरलाइन करना स्टार्ट करिए। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। ये नहीं कहना मैंने करा, आई मतलब मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से प्रॉफिट हुआ, मैं सब करा है, मैं इंप्लीमेंट करूंगा, मैं फ्रेम करूंगा, तो वो उसकी जगह पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, हमने ये करा, हमारी वजह से प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक टीम में आप लोग बात करोगे, हर चीज़ का श्रेय खुद नहीं लोगे कि मेरी वजह से ये हो रहा है। तो ये टीम स्पिरिट होती है कि अगर आप 10% काम कर रहे हो तो 10% बीच में आएंगे अगर आपने रिजल्ट अचीव करा है या ऑब्जेक्टिव अचीव करा है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा है कि अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, उसको मैंने काम दिया है 100 यूनिट्स बनाने का, सॉरी, प्रोडक्शन मैनेजर का टारगेट था 100 मैन्युफैक्चर करनी थी यूनिट्स, और 10 मेंबर्स का वो काम था। तो कितना एक मेंबर प्रोड्यूस करेगा, एक मेंबर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा और 10 मेंबर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब कहते हैं टीम स्पिरिट का मतलब ये है कि उनमें से, लास्ट टाइम यहाँ पे लिखा है कि अगर टारगेट अचीव करते हुए कोई 2 वर्कर बीमार भी हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे 10 यूनिट का काम मिला था तो मैं 10 यूनिट्स ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो कहते फिर आप क्या करोगे, बाकी 8 मेंबर्स जो हैं वो उन 2 पर्सन का काम भी अपने आप डिवाइड करेंगे, ताकि आपका जो है टीम का काम, टीम क्या थी, प्रोडक्शन मैनेजर, तो उसका काम क्या था, 100 यूनिट्स बनाना, तो वो टारगेट अचीव करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अपना काम नहीं करना, सिर्फ इंडिविजुअल टारगेट के ऊपर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान जो है, आपका मेन फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होना चाहिए, अपनी टीम के ऊपर होना चाहिए। तो अगर कोई 2 या 3 पर्सन बीमार भी हो जाते हैं तो आप लोगों ने उनका काम भी डिवाइड करना है, ताकि टीम जो है अपना टारगेट अचीव कर सके। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि आपकी में टीम स्पिरिट आएगी और इजीली ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा। मान लो यहाँ पे जो 2 पर्सन बीमार हो गए थे, मैंने उन 2 बंदों की 20 यूनिट्स बनाई ही नहीं, तो 80 यूनिट्स बनी, मतलब ये टारगेट जो था वो 100 यूनिट्स का अचीव ही नहीं हुआ। तो अगर हम ऐसे इस प्रिंसिपल को यूज करते हैं
तो हम लोगों ने ये काम 8 फंदों में डिवाइड कर दिया और 100 यूनिट्स बन गए, तो मतलब अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा फिर, कहते ग्रुप गोल अचीव नहीं होएगा, ठीक है, वो तो एक बात होगी। और नो टीम स्पिरिट, स्ट्रेस रहेगा, एक पर्सन के ऊपर ही स्ट्रेस रहेगा कि चाहे वो बीमार है चाहे वो जैसा भी है उसको काम करना ही पड़ेगा। तो ये आप लोगों का लास्ट प्रिंसिपल था। अब इसके बाद आप लोगों को मैंने नोट्स जो थे वो कॉपी पे दिए थे, आप वो कॉपी वाले नोट्स जो है राइट डाउन कर लेना, और इसमें से जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आप लोगों को लाइंस लगता है कि आपको यहाँ से बेटर अच्छी तरीके से रीड हो जाएंगी या आप लिख सकते हो, आप यहाँ पे ऐड कर लेना, और ये आपका काम कल चेक होएगा, अपनी कॉपीज पे कंप्लीट कर लेना विद कंक्लूजन। थैंक यू।